केंद्रीय मंत्रिमंडल की शुक्रवार को दिल्ली में बैठक हुई। इसमें 85 केंद्रीय विद्यालय, 28 नवोदय विद्यालय और दिल्ली मेट्रो के रिठाला कुंडली कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दे दी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये कहा है कि देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय बनाए जाएंगे। वहीं नवोदय विद्यालय उन जिलों में बनेंगे जो अभी तक नवोदय विद्यालय स्कीम में नहीं थे। वैष्णव ने यह भी कहा है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पीएम श्री स्कूल योजना लाई गई है और सभी केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल के तौर पर तैयार किया गया है, जिससे इन्हें दूसरे स्कूलों के लिए मॉडल स्कूल बनाया जा सके। आज उसी कड़ी में बहुत बड़ा फैसला लिया गया नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने का। 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और एक केंद्रीय विद्यालय को एक्सपैंड करने का आज अप्रूवल मिला है। और इसमें 80 केंद्रीय विद्यालय में 82,560 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। नया एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, 5,388 रेगुलर जॉब्स क्रिएट होंगे इसमें। और अप्रूव्ड अमाउंट है केंद्रीय विद्यालय के लिए, जो आज के कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है, 5,872 करोड़। बहुत लंबे टाइम के बाद में इतना बड़ा केंद्रीय विद्यालय का एक्सपेंशन का प्रोग्राम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। और साथ ही साथ 28 नवोदय विद्यालय, आप सब जानते हैं नवोदय विद्यालय जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में टैलेंटेड बच्चों के लिए स्कूल्स हैं, जिसमें बहुत फोकस्ड वे में टैलेंटेड बच्चों का डेवलपमेंट किया जाता है, उसमें 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें 15,680 टैलेंटेड स्टूडेंट्स हर साल उनको बेनिफिट मिलेगा।